रघुवंशनाथम रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम चरणम प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, और आप सभी को सर्वप्रथम श्री राम विजयोत्सव विजयदशमी की कोटि कोटि। और आज मैं अभी शर्मा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम ये सब तो जानते हैं कि विजयदशमी के दिन हम लोग रावण का दहन करते हैं, परंतु इस रावण दहन से हम लोग क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, और रावण हुए साथ ऐसा क्या हुआ कि वह उसके विनाश की ओर चले गया, और क्या यह हमारे साथ भी हो सकता है, क्या ऐसा कुछ हमारे साथ भी सिंबॉलिकली हो सकता है। आज हम इन सारी बातों को जानने वाले हैं, क्योंकि मित्रों मैं मानता हूं कि रामायण इस विश्व के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हमारे भगवान श्री राम जी की बायोग्राफी, और उसमें हम बहुत सारा आज हम लोग मोटिवेशन निकालने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मित्रों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रावण को दशानंद भी कहा जाता है, दश धन आनंद, यानी कि जो दस सिर वाला हो। अब रावण के बारे में मैं आपको यह बता देता हूँ कि रावण के जो पिता थे वह तो एक बहुत ही महान ऋषि थे, परंतु उनकी माता राक्षस कुल की थी। बचपन से ही कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं उनके दस सिर सिंबॉलिक भी थे, अब मे बी पॉसिबल, बट जहां तक शास्त्रों में वर्णन मिलता है उनके दस सिर थे, और बचपन में उन्होंने सारे वेद और शास्त्र पढ़ लिए थे और खुद कई शास्त्र लिख भी दिए थे। इसलिए ही उनके दस सिर बचपन में जब उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े थे तो उनके दस सिर चार वेद और छह शास्त्रों को दर्शाते थे। जी हाँ, 4 + 6 = 10, तो चार वेद और छह शास्त्रों के रिप्रेजेंटेशन थे। बट अब ऐसा क्या हुआ रावण के साथ जो ये दस सिरों का मतलब ही चेंज हो गया। अब पहले उनके दस सिरों का मतलब हम लोग जान लेते हैं। उनके दस सिरों का मतलब क्या होता है, उनके पहले तो जो छह सिर होते हैं, पहले छह सिर वह षड्रिपु को दर्शाते हैं। षड्रिपु यानी कि छह रिपु, यानी कि छह दुश्मन, हमारे जो सबसे बड़े छह दुश्मन है जो हमें मोक्ष अटेन करने से रोकते हैं, वो क्या क्या है। पहला तो है काम, यानी कि सिंपल वे में बोलूं तो डिजायर्स। नेक्स्ट इज क्रोध, यानी कि एंगर। थर्ड इज लोभ, यानी कि लालच। चौथा है उसके बाद मोह, यानी कि आप कह सकते हैं डिल्यूजन। और फिर पांचवा आता है मद, यानी कि आप कह सकते हैं जेलसी, किसी के प्रति बुरी भावना। और मत्सर, यानी कि आप किसी को ऐसा पसंद नहीं करते, किसी के प्रति हीन भावना जब आप रखते हैं, तो वह इन सारों के अर्थ हैं। और यही सब हमें मोक्ष अटेन करने से कहीं ना कहीं रोक देते हैं। बट उसके जो अब चार दूसरे सिर से वह क्या दर्शाते हैं, वह दर्शाते हैं हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को। जी हाँ मित्रों, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को ये चार सर दर्शाते हैं। तो पहले छह सर षड्रिपु हो गए, और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो हमारी सटल बॉडी बनाते हैं, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो जब आप मानिए कि हमारी जो सटल बॉडी होती है, हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार होता है, वह इन षड्रिपु से बनता है, तो वह एक बुरे वे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब यह मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त रावण के वेद शास्त्र पढ़ने में हेल्प कर रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। बट जब ये षड्रिपु के साथ मिल गया, तब उन्हें ये कहां ले गया, पतन की ओर। जी हाँ मित्रों, अब यहां पे हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में हमारे पास ऐसी ही एसोसिएशंस भी आएंगे, बुरे एसोसिएशंस, बट हमें क्या करना है, उनसे दूर रहना है और अच्छे एसोसिएशन की ओर जाना है। बिकॉज मित्रों की शेक्सपियर कहा करते थे, आप मुझे अपने पांच दोस्तों के बारे में बता दीजिए और मैं बता दूंगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है, यानी कि संगति मैटर्स अ लॉट, है ना। सो हम, क्योंकि कहा जाता है संग देखकर हम लोग भी अपने रंग बदल लेते हैं। सो यहाँ पर हमको यही चीज ध्यान रखनी है कि अपनी संगति का बहुत ज्यादा हम ध्यान रखें, क्योंकि रावण को भी तभी ऐसे बुरे विचार आए थे, तभी उसने यह वरदान लिया था कि मुझे कोई ना मार सके। बस उन्होंने वानर और जहां पर मनुष्य को छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि उनकी बुरी संगति थी। उनकी माता ने उनको कहा था कि आप जाकर ऐसा वरदान मांगो, क्योंकि आपका जो भाई कुबेर है वह आपसे ज्यादा धनी होता जा रहा है। यहाँ पे उनको एक तरह से आप कह सकते हैं बैड एसोसिएशन मिला था, जिससे बैड थॉट्स आए, और यहीं से उनकी कहीं ना कहीं विनाश की शुरुआत हुई।
तो विजयदशमी के दिन हम क्या करते हैं, उस 10 सिर वाले रावण का दहन करते हैं, जिसके जो चार पार्ट है हमारी सटल बॉडी के, मन बुद्धि अहंकार और चित, उन पर षड रिपु का अधिपत्य है, हम उस रावण का दहन करते हैं। सो आज हमें यही करना है भगवान श्री राम। अब यहाँ पर भगवान श्री राम क्या दर्शाते हैं, भगवान श्री राम दर्शाते हैं अच्छी संगति को, हमारे शास्त्रों को, क्योंकि जब हम हमारे शास्त्र पढ़ेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, हरि नाम लेंगे, तब जो भी जो षड रिपु होते हैं उन सारी चीजों का यह विनाश कर देगा। कहा जाता है कली कलमश नाशनम, जो हरिनाम होता है, जो भगवान के जो शास्त्र होते हैं वह सब जो कली का कलमश होता है, यानी कि जो षड रिपु होते हैं इनका नाश करते हैं। सो हमें भी आज यही करना है, क्योंकि मित्रों देखिए राम और रावण में बहुत ही कम अंतर था। कहा जाता है कि राम जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था, बहुत छोटा सा अंतर है, दोनों चीजें एकदम से फ्लिप हो जाती हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम जी को अहंकार का ज्ञान था, इसीलिए ही विजय राम जी की ही हुई। सो आज हमें अपने हृदय में बैठे उस रावण का नाश करना है और प्रेम से उनके शास्त्र पढ़ के प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करना है। सो इस दशहरा यह मोटिवेशन लेते हुए, यह प्लेज लेते हुए आज मैं इस वीडियो को भी समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, यहाँ ऐसी ही मोटिवेशनल की कंटेंट आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।